हेलो भाई और उनकी बहनों, मेरा नाम है डीडी और आप देख रहे हैं डीडी एक्सप्लेन। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करेंगे उस मूवी का नाम है ब्लू ट्रेन। और मूवी हमें बताती है कि मूवी में एक बदकिस्मत असैसन जिसे अमन शांति से काम करना पसंद है और उसे उसकी बॉस की तरफ से एक मिशन मिलता है कि उसे बस इतना ही करना है कि उसे बस एक ब्रीफकेस चुराना होता है ट्रेन में से। और उस सब के बीच में कितना कुछ हो जाता है ये तो तुम्हें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और मूवी में तुम्हें कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि ये कौन है, ये यहाँ कैसे आया। लेकिन जब जब मूवी आगे बढ़ेगी तब तब तुम्हें पता चलेगा कि ये यहाँ कैसे आए और यहाँ क्या कर रहे हैं। मूवी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि स्पॉइलर हो जाएंगे। मूवी जितने नहीं देखी मैं उनको मूवी दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम एक बार ये मूवी जाकर देखो, अगर मजा नहीं आया तो मेरे को आके बोलना। और मुझे पता है कि तुम्हें ये मूवी पसंद आएगी, अगर तब भी नहीं आई तो ये तुम्हारा ओपिनियन है और मैं तुम्हारे इनकी इज्जत करता हूँ। ओवरऑल मुझे तो ये मूवी पसंद आई और मैं चाहूंगा कि मैं ये मूवी एक बार दोबारा जाकर देखूं थिएटर में। ये नहीं कि मूवी की मैं खाली तारीफ ही कर रहा हूँ, मूवी में कुछ बुरे पार्ट भी थे, जैसे कि वो ट्रेन में जो लाशें पड़ी हुई थी ना उसमें से एक लाश भी होती ना, एक लाश भी की थी शख्स को नहीं दिखी। जैसे कि ट्रेन में जो सारे बैठे हुए हैं वो सारे तो पागल, लिटरली कपड़ों पे खून लगा हुआ है। कोई अंधा भी देखे तो उसको भी पता चल जाए कि कपड़ों पे खून लगा हुआ है। और वहाँ पे किसी को ऐसे फर्क ही नहीं पड़ा ना टीसी को और ना ही ट्रेन में बैठे हुए लोगों को। और असली में अगर एक खून का तुक्का भी कहीं दिखा हुआ है, दिख जाए कपड़ों पे, तो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे हम खून करके आए हैं। सब एक्टर और सब एक्ट्रेस की बात करें तो ब्रैड पिट, उनकी तो एक्टिंग मूवी में लाजवाब थी, सुभान अल्लाह, देख कर मजा आ गया। और मूवी में जितने भी कास्ट थे उन सब की एक्टिंग भी बेहतरीन थी। और अगर मूवी में कास्ट की एक्टिंग बेहतरीन नहीं होगी, ना ही स्टोरी बेहतरीन होगी, स्क्रीन प्ले बेहतरीन नहीं होगा, तो कभी भी अच्छी मूवी नहीं बनेगी। और इसका सब कुछ अच्छा था, जबी तो ये मूवी सबको पसंद आई। सबका तो पता नहीं, मुझे तो अच्छी लगी और पसंद भी आई। और मूवी हमें अपने एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी के नाम पे बेचती है और ये तीनों मूवी में बहुत है। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर माँ कसम दिल जीत लिया उन्होंने। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी मूवी के रिव्यू बनाऊं और टीजर ट्रेलर के, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और तब तक के लिए बाय।